स्टूडेंट्स क्लास एट्स मैथ्स में आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स जो आपके वन से स्टार्ट होते हैं, उनका कोई एंड नहीं होता है, वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, वे नंबर्स जो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका भी कोई एंड नहीं होता है, वो होते हैं आपके होल नंबर्स। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? वे नंबर्स जिसमें ज़ीरो, प्लस नंबर्स और माइनस नंबर्स आते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 इस टाइप से। तो वे नंबर्स जिसमें ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर्स इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वे नंबर्स जो आपके ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, जहाँ पर ए और बी आपके इंटीजर्स होंगे और बी नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा? ज़ीरो। इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें आपकी ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, वो होते हैं आपके इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर हो गया वे नंबर्स जो आपके ए अपॉन बी की फॉर्म में हो और बी नॉट इक्वल टू क्या हो आपका? ज़ीरो। तो ए और बी क्या है आपके? इंटीजर्स। तो मैंने ले लिया पॉजिटिव का 2 अपॉन में 3, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ए अपॉन बी की फॉर्म में हो गया और क्या हो गया आपका? इंटीजर्स, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए की जगह तो आप ज़ीरो लिख सकते हो लेकिन बी की जगह आप ज़ीरो नहीं लिखोगे। 0 अपॉन 2, ये भी क्या होगा आपका? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूड होते हैं आपके इंटीजर्स भी, और सभी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन भी आपके रेशनल नंबर्स में क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। किस टाइप से आप रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे? इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर आर सेम, वी ऐड दियर न्यूमिनेटर एंड डिवाइड बाई कॉमन डिनोमिनेटर। केस फर्स्ट है आपका, यदि आपको ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी, ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आर टू रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर बी, अगर उनका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, डिनोमिनेटर सेम है, आप बी लिखोगे, बी क्या है आपका? डिनोमिनेटर, और ऊपर ए प्लस सी, इजीली जोड़ सकते हो। एग्जांपल जैसे कि 2 अपॉन 3 प्लस, केस फर्स्ट, और यहाँ पे लिख लो 3 अपॉन 3, डिनोमिनेटर क्या है आपका? सेम है, तो आप नीचे लिखोगे 3 आएगा आपका, दोनों डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, और ऊपर वाली संख्या आप प्लस कर दोगे ऐसी, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 3, रेशनल नंबर सी है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी केस सेकंड, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर आर डिफरेंट, अगर आपके रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट दिया हो, तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे? तो केस सेकंड का एग्जांपल देख लीजिए, हमने ले लिया 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4, डिनोमिनेटर क्या है आपके? डिफरेंट है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर्स लिए हैं, उनके डिनोमिनेटर क्या है आपके? डिफरेंट है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? 3 और 4 का आप एलसीएम लोगे, 3 और 4 का एलसीएम आता है आपका 12, 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?
थ्री को फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा और फोर के ऊपर हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे आप थ्री लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, फोर को ट्वेल्व से डिवाइड करोगे तो थ्री आएगा, थ्री की फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। टू फोर जा एट प्लस थ्री थ्री जा नाइन अपॉन में ट्वेल्व, एट और नाइन हो जाएंगे आपके सेवनटीन अपॉन ट्वेल्व। इस टाइप से आप टू रेशन नंबर को ऐड करोगे। केस फर्स्ट में आपका डिनोमिनेटर क्या था, सेम, और केस सेकंड में आपका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है आपको रेशनल नंबर्स के ऐड करने में, तो फाइव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, और फाइव प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, इट स्टेट दैट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अगर आप टू रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो उसे जब सॉल्व करोगे तो वो आपका सदैव रेशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, लेट द कंसीडर टू रेशनल नंबर्स है आपके वन अपॉन टू एंड सेवन अपॉन एट। वन अपॉन टू एंड सेवन अपॉन एट, तो जब आप ये टू रेशनल नंबर्स हैं आपके, आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो वो कह रहा है जब आप टू रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो जो सॉल्व करके आएगा आंसर वो भी क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर आएगा। तो टू और एट का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा एट, फिर ऊपर वन है आपका, वन से मल्टीप्लाई करोगे आप, टू को एट से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा फोर, प्लस फिर सेवन मल्टीप्लाई, एट को एट से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा वन, वन फोर जा फोर, प्लस सेवन वन जा सेवन अपॉन में एट, सेवन प्लस फोर प्लस सेवन हो जाएगा आपका इलेवन अपॉन एट। तो ये क्या है आपका, रेशनल नंबर। पी अपॉन, क्योंकि फॉर्म में है ये आपका, तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में।